वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज से हम देखेंगे एनालॉग सर्किट्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनालॉग सर्किट, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गेट में, ईएस में, पीएसयू से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। गेट में मान के चलिए इससे 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। कुछ कुछ डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा आपसे ये कौन सा डायग्राम है या कौन सा सर्किट है, तो बेसिक क्वेश्चन गेट में कभी कभी पूछ लेता है। ईएस में थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और करीब 20 से 30 मार्क्स ईएस में आ ही जाता है इससे मिनिमम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जिनको बिल्कुल भी नहीं पता तो वो भी सीख जाएगा कि एनालॉग सर्किट काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल टफ है नहीं। आप एक बार बेसिक इसका समझ जाएंगे बिल्कुल, तो बहुत ईजी लगेगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के बारे में पहले जान लें। देखिए, कोई भी सर्किट होगा, ठीक है, उसमें एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ओके, वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वो उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहेंगे। कोई भी सर्किट है उसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या क्या होते हैं, एग्जांपल के तौर पे एम्पलीफायर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर एम्पलीफायर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, ए डिवाइस विच इज मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर। ये डिवाइस है किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से, ओके। तो और इसका ऑपरेशन क्या होता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। तो वो डिवाइस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड ऑपरेशन क्या होता है इसका, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ओके। एग्जांपल क्या है इसके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यही डिवाइस से मिलके एक चिप में बहुत सारे डायोड लगे हैं, बहुत सारे रेक्टिफायर लगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो एक चिप बनी। एक चिप में अब डिफरेंट डिफरेंट चीज हो सकती है, वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करती है अगर उसमें वैसा चीज लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी तीन चीज़ों में बटा हुआ है, तीन टाइप का होता है कह सकते हैं हम। एक होता है एनालॉग, सेकेंड होता है डिजिटल, थर्ड होता है मिक्स्ड, ओके। तो देखिए, तीन टाइप के होते हैं, पहला है एनालॉग, सेकेंड है डिजिटल, थर्ड है मिक्स सिग्नल। अब हम बात करेंगे एनालॉग सर्किट्स की। देखिए, एनालॉग सर्किट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। एनालॉग सर्किट में क्या होता है, सर्किट विच कैन प्रोसेस एनालॉग सिग्नल, ओके, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इसका इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो, एनालॉग सिग्नल हो, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ओके। ये हो गया एनालॉग सर्किट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या दे सकते हैं इसमें, एम्पलीफायर एक एनालॉग सर्किट है, रेक्टिफायर ये भी एक एनालॉग सर्किट है, ओके। तो ये हो गया एनालॉग सर्किट। अब सेकंड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इसका जो इनपुट होगा वो भी डिजिटल होगा और आउटपुट होगा वो भी डिजिटल होगा, मींस 1 एंड 0 के फॉर्म में इसकी वैल्यू आएगी। आउटपुट इनपुट दोनों कैसे होंगे, 1 एंड 0 के फॉर्म में होंगे, ओके। और एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं जैसे एडर हो गया। अब इसमें जो भी इनपुट रहेगा वो 1 और 0 के फॉर्म में रहता है, आउटपुट भी 1 एंड 0 के फॉर्म में ही रहता है, तो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया। अब थर्ड जो है वो है मिक्स्ड
सिग्नल सर्किट। अब मिक्स सिग्नल का सर्किट का मतलब क्या है यहाँ पे? एनालॉग, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों वर्क करेगा। मींस इनपुट मान के चलिए इसका एनालॉग है, लेकिन आउटपुट क्या होगा? डिजिटल होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस टाइप के सर्किट को हम क्या कहेंगे? एंड मिक्स सिग्नल सर्किट। ओके, चलिए अब हम डिजिटल सर्किट के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, नॉइस का इफेक्ट बहुत कम होता है डिजिटल सर्किट में। बहुत तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, नॉइस इफेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है, ओके, लेस होता है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें, ये इजी डिजाइन कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। थर्ड जो है, इसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, कैन बी प्रोग्राम, ओके। तो ये कुछ एडवांटेज हैं डिजिटल सर्किट्स के। और फोर्थ है, इसमें हम डिजिटल डेटा स्टोर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है डिजिटल डेटा स्टोर करने में बहुत कम स्पेस लगता है और इजीली स्टोर हो जाता है, तो डिजिटल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे डिजिटल सर्किट के। अब हम देखते हैं एडवांटेज इलेक्ट्रॉन एनालॉग सर्किट्स के, एनालॉग सर्किट्स के। ओके, तो एनालॉग सर्किट्स में पहला तो ये है कि ये हाई पावर लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम हाई पावर लेवल पे, ओके, ये मेन एडवांटेज है इसका। हाई पावर लेवल पे हम ऑपरेट कर सकते हैं एनालॉग सर्किट को, जबकि आप डिजिटल सर्किट को हाई पावर लेवल पे नहीं कर सकते, ओके। और देखिए, मेन एडवांटेज क्या है एनालॉग सर्किट का, मेजोरिटी ऑफ रियल टाइम जो सिग्नल्स हैं, चाहे टेम्परेचर हो गया, चाहे वॉइस हो गई, कुछ भी हो गया, ये जो है सब क्या है? एनालॉग सिग्नल्स ही हैं। ठीक है, अब हम अगर डिजिटल सिग्नल्स में इनको कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो पहले तो हमको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन करना होगा, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन करना होगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस लगती है। इसलिए हम डायरेक्ट एनालॉग सर्किट्स भी डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसके दो मेन एडवांटेज हैं, तो आप याद रखिएगा। अब हम कुछ पावर सप्लाईज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर सप्लाई आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एसी पावर को हम डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं, एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो डीसी से चलती हैं और कई जो हैं एसी से चलती हैं, तो उसके कन्वर्जन लगा रहता है, पावर सप्लाई के अंतर्गत आता है ये सब कुछ। ठीक है, सेकेंड जो है, एसी से डीसी जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और आपको पता ही है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या मोटर्स कह सकते हैं, तो वो किस में वर्क करती हैं? डीसी में वर्क करती हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, एसी सिग्नल को डीसी में हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है और उसमें फिर चलती हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, वो तीन चीज़ों का इंटरकनेक्शन से बनी होती है, तीन चीज़ों के इंटरकनेक्शन से बनी होती है। वो है, फर्स्ट है रेक्टिफायर, सेकंड है फिल्टर, थर्ड है रेगुलेटर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों के इंटरकनेक्शन से क्या बनती है? एक पावर सप्लाई बनती है। तो सबसे पहले क्या होता है? रेगुलेटर होता है, उसके बाद फिल्टर, रेगुलेटर, देन फिल्टर, देन सॉरी, सबसे पहले रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर, देन फिल्टर, देन रेगुलेटर। अब देखिए, यहाँ से एक प्योर एसी जाएगी, प्योर एसी, ठीक है, वीआई गया मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मिलेगी रेक्टिफायर के बाद जो वैल्यू, वो कहलाएगी पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ओके। अब पल्सेटिंग डीसी क्या होती है? ये एसी प्लस डीसी का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद फिल्टर से ये क्रॉस होगी, फिल्टर क्या करेगा? तो फिल्टर का जो आउटपुट रहेगा, वहाँ पे आपको मिलेगी फ्लक्चुएटिंग डीसी। ठीक है, मतलब एसी कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग आपको डीसी मिल जाएगी, ओके। उसके बाद ये रेगुलेटर से पास होगी, तो रेगुलेटर से जब पास होगी, तो जो फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा वी नॉट, वो जो रहेगा स्टेबल डीसी का,
और जिसे हम रेगुलेटेड डीसी भी कहते हैं। ओके, तो ये इस टाइप से कुछ वर्किंग चलती है पावर सप्लाई के कारण। ठीक है, अब ये हो गई। अब कुछ मैं बता दूं, प्योर डीसी कैसी, एसी कैसी होती है आपको पता ही है। प्योर एसी, ये एक प्योर एसी है। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी कैसी होती है ये आपको पता ही है, पल्सेटिंग डीसी है, डीसी। ओके, तो ये कुछ होते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो भी देख लेते जल्दी से। देखिए, अब एसी की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, पहला तो है पीरियोडिक वेरिएशन होता है इसमें। ठीक है, सेकंड जो है बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप प्लस में माइनस में। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल है। थर्ड जो है जीरो एवरेज और जीरो डीसी होती है, और जीरो डीसी, क्योंकि देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये पोर्शन इसको कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, जीरो डीसी और जीरो एवरेज कहलाएगी ये। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें हायर हार्मोनिक्स नहीं होते, हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी एसी की। इसी टाइप हम डीसी की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डीसी की पहली प्रॉपर्टी है, इसमें भी पीरियोडिक वेरिएशन होता है, पीरियोडिक वेरिएशन होता है। ठीक है, सेकंड यूनी डायरेक्शनल होती है, ये देख सकते हैं आप एक ही डायरेक्शन में बस है, तो यूनी डायरेक्शनल हो गई। थर्ड नॉन जीरो एवरेज होती है। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू होती है और डीसी वैल्यू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फोर्थ है इसमें हायर हार्मोनिक्स होते हैं, और एसी मैंने आपको बताया था हायर हार्मोनिक्स नहीं होते, नॉट हायर हार्मोनिक्स, इसमें हायर हार्मोनिक्स होते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एसी और डीसी की। देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली, इसमें भी पीरियोडिक वेरिएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पल्सेटिंग डीसी होती है, पल्सेटिंग डीसी होती है, वो इंडिकेट क्या करती है, एसी प्लस डीसी को इंडिकेट करती है, क्योंकि इसमें कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं, तो उसके कारण ये फ्लक्चुएट होती है, और इसको हम फ्लक्चुएटिंग डीसी भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ फ्लक्चुएटिंग डीसी हम कह सकते हैं। ओके, तो ये रही बात बेसिक ऑफ एनालॉग सर्किट्स की मैंने बताई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेक्टिफायर्स के बारे में बात करूंगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।